Hey guys, welcome back to my channel. Hoi hoi channel. तो जी हम आ गए हैं और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को हैं. तो जी पहले ज़रूरी सूचना हम दे देते हैं. टैरो से जुड़ा हुआ जो बैच है, जो सिक्स्थ बैच है, वो शुरू होने वाला है 20 अक्टूबर को. तो आप जल्द से जल्द इनरोल करा सकते हैं, ठीक है. इनरोलमेंट जारी है. जिन लोगों को टैरो क्लासेस लेनी है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है. और पर्सनल पेड रीडिंग्स भी ओपन है, उसके लिए भी आप इनरोल करा सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ठीक है. तो ये रही जानकारी. अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है. कल तो वैसे भी बहुत अच्छी रीडिंग आई थी, तो आप लोगों की एनर्जीज देखना ज़रूरी है, तो इसलिए हम जो है अभी आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है. तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आप लोगों की रीडिंग की. नज़र ना लगे भाई, कल भी अच्छी रीडिंग आई थी और आज तो वैसे भी द्वितीय नवरात्रि का दूसरा दिन है. माँ ब्रह्मचारिणी, तो वो आपका जो है सारी मनोकामनाएँ पूरी करें हैं. पहले हीलिंग दे देते हैं. बहुत टर्बुलेंस है, वाइब्रेशन बहुत नहीं समझ पा रहे हैं शायद आप लोगों की एनर्जीज ऐसी है. बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच हो रहे हैं आप लोग, किसी चीज़, किसी पर्सन, किसी सिचुएशन से ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट है. बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है और ध्यान आपका किसी और काम में लग ही नहीं रहा है इस दौरान पर. सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पर आपका फोकस है. अभी देखिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दिया हमें, तो वो चीज़, देखिए हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर तो ये अटैचमेंट हेल्दी, हमें हेल्दी लगी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, हमें हेल्दी लगी ही नहीं. बहुत अनहेल्दी अटैचमेंट हमें लगा, जैसे आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी सिनेरियो हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो अटैचमेंट ऑब्सेशन की ओर जा रहा है, जो कि गलत है. क्योंकि आप फिर वापस से अपनी एनर्जीज पे नहीं, मतलब आप अपने उस गोल, उन गोल्स पे, उन एम्बिशंस पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही चीज़ पर है. देखिए एक चीज़ पर फोकस होना ज़रूरी है. आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है क्या? आपको समझ में नहीं आता है कि हम डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं गाइडेंस देने के लिए? आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं? हेल्दी अनहेल्दी में कौन सा तरीका होता है जिसमें, अरे भाई ऑब्सेशन लगी है हमको, जिसमें अनहेल्दी वाइब्रेशंस आ रही थी. आपने खुद अगर वापस से जाके उसको पीछे आप उसको बैक करके आप हीलिंग की बोल की साउंड सुनिएगा, कितना क्रैशिंग आवाज़ था. मतलब बहुत ही क्या बोलते, डिस्टॉर्टेड वॉइस थी, काफ़ी बहुत डिस्टर्बिंग वॉइस थी. मतलब एक हीलिंग वाइब्रेशंस आनी चाहिए ना, वो नहीं आ रही थी. अरे कौन है यार. हाँ तो ये है, तो आपके जो एनर्जीज है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड लगी हमें. बाकी आप लोग समझदार हैं, कहाँ पर क्या अटैचमेंट है, क्या सोच रहे हैं भाई, वो तो आपको ही पता होगा. यहाँ पर टैरोटेक इस्तेमाल कर रहे हैं, कोजी विच टैरोटेक, ठीक है. अब हम रीडिंग कर रहे हैं और
देखते हैं कैसी एनर्जीज है, क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ वंस अगेन हमारी तरफ से, ठीक है। बहुत सारे अपने जीवन में आप लोग तरक्की करें, जीवन के आपके सारे ख्वाब पूरे हों, सारे जो दुख दर्द हैं उन सब का निवारण हो, हैं ऐसी दुआ करते हैं हम। ऐसा लगा जैसे वापस से आप लोग किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में, वापस से जो चीज़ बड़ी मुश्किल से आपने डिटैच की थी, कभी कभी हमें लगता है कि आप लोग कोई गाना बज रहा है, अरे कॉपीराइट लग जाएगा बिना मतलब के, यार गाना बज रहा है हमारे घर के बाहर तो क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि किस तरीके की एनर्जीज आती है कभी कभी, हैं आप लोगों को ना अटैचमेंट होने, देखिए गलत बात नहीं है इंसान से अटैचमेंट, मोह माया देखिए हर किसी को होता है, हम लोग इंसान है भगवान नहीं है हम लोग, ठीक है, तो होता है अटैचमेंट होता है, लेकिन जब चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही होती है उस दौरान पर आपको क्या बोला जाता है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड बनाए रखें, वो डावाडोल हो जाती है वापस से उसी चीज़ों में चले जाते हैं, वही लूप वही साइकिल, चलाइए हम क्या बोलें, आपकी मर्ज़ी है चलाइए आप लोग साइकिल जो मर्ज़ी करिए यार। अभी जो है हम कार्ड्स ले रहे हैं और कार्ड्स आ ही नहीं रहे हैं, बताइए तैयार हैं हम बिल्कुल कार्ड्स लेने के लिए, कार्ड्स आ ही नहीं रहे हैं। मानेंगे नहीं ना आप अपनी गलती, है ना, आप मानेंगे नहीं कि अटैचमेंट है ही नहीं, आप बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं है। देखिए हमें दिखाई बोल पे समझ में आया है वापस से किसी पर्टिकुलर प्राणी के लिए शायद कुछ अटैचमेंट हो रही हो, चलिए एक कार्ड आया है गुड लक चाम वेरी नाइस, तो टेन और ये टेन वो है क्या बोलते हैं पहला कार्ड गुड लक चाम और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है ये, ठीक है गुड लक चाम। किसी की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, पता नहीं क्यों हमें ऐसा फील हुआ है, गिफ्ट अरे एक नॉर्मल सा प्रेजेंट 10 दिन के अंदर मिलने के आसार हैं। ये देखिए इनडिसाइसिव विच लिखा है और ये कार्ड है टू ऑफ सोर्स का, समझ आ गया हम। यहाँ पे लिखा है वेकअप व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट, अरे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप वाकई में चाहते हैं, अब जागने का टाइम है, इनडिसाइसिव एनर्जीज में रहने का नहीं है, क्योंकि गुड लक चार्म आपके चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं, तब ये अनहेल्दी अटैचमेंट्स देखते हैं आगे क्या है। द मून ये एक्सपेक्टेड था आज। टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल, सेम वही एनर्जीज हैं इस टू ऑफ सोर्ड्स के बाद एग्जैक्ट वही आया है भाई, वेकअप आप चाहते क्या है अपनी ज़िंदगी में। देखिए मोह माया तो आता जाता रहेगा, ठीक है, किसी के लिए आपके मन में एक होता है, देखिए हर किसी का होता है, पेरेंट्स के लिए होता है, चिंता होती है, हर कोई जीवन भर में आपका साथ देने के लिए पूरे लाइफ टाइम कोई नहीं रहेगा, आप खुद नहीं रहेंगे तो आप किसी और से क्या उम्मीद करेंगे, हैं। मून का कार्ड है बिहाइंड कुछ सीन, बिहाइंड द सीन्स मतलब देखिए बैक ऑफ एक होता है ना पर्दे के पीछे की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो अभी हिडन है उनका पता तो चलेगा, अभी तो तीन ही कार्ड आए हैं। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, शुक्र है एस ऑफ सोर्ड्स, मून के बाद एस ऑफ सोर्ड्स, एक मेंटल क्लैरिटी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए, क्या करना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, कहाँ पर स्टक हैं, कहीं पर इनडिसाइसिव एनर्जीज वापस से आई हैं। ये देखिए ये, जबकि पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है, व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर, लेकिन आप इनडिसाइसिव एनर्जीज में चले गए हैं, ये वो एनर्जीज हो सकती हैं जो शायद कल या परसों आई थी,
हीलिंग बोल पे, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा था, आपने एक स्टेप बैक लिया है। अभी वो वेकअप कॉल आपको दोबारा से दिया जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। अरे भाई चाहते क्या हो, 10-10 देखा हमने कैमरे पे अभी, एस ऑफ सोर्ड्स, लुक एट यू, यू आर बर्स्टिंग विद स्पार्कली न्यू आइडियाज। वेकअप कॉल बार बार आ रहा है, अरे जागो ग्राहक, जागो भाई हैं। समय निकालिए, पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है, समय निकालिए। और क्या चाहते हैं आप अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन, थोड़ा समय निकाल के अपना डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमने आपको 2-4 दिन से हम बोल रहे हैं आपको कि मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशन कीजिए। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी ये पर्सन अपनी एनर्जीज के साथ अपने आप में अकेले में खुश है, शी इज़ हैप्पी विद हर ओन सेल्फ। आप अनहेल्दी अटैचमेंट की तरफ फिर से जा रहे हैं शायद। ऑनरिंग योर इमोशंस इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। देखा, अपने इमोशंस की कदर कीजिए। आप चाहे रोते हैं, चाहे आपको गुस्सा आता है, चाहे आप नरम दिल के हैं, सख्त दिल के हैं, जैसा भी है, क्वीन ऑफ कप्स है। यहाँ पर आया है 5 of Wands, अ गुड कोविन, लेट्स एवरी विच हैव अ से। भाई जहाँ पे आप अपने डिसीजन लेंगे वहाँ पर दूसरों की वो तो आएगी ही। ऐसा होता है क्या, आपने एक निर्णय लिया और लोग भी बड़ी आसानी से मान गए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, जाहिर सी बात है। कोई आप डिसीजन लेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों की आनाकानी होगी, बहुत सारे लोगों को आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन आपका डिसीजन अल्टीमेट डिसीजन होना चाहिए। मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती भी हमें दिखाई दे रही है। ऑनरिंग योर इमोशंस, ठीक है, इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट फॉर्म्स ऑफ सेल्फ केयर। बहुत क्लियर कट एनर्जीज आ रही हैं आज आप लोगों को, एक बहुत जल्दी आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलने वाली है। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, जहाँ पर भी अटक रहे हैं ना, उससे रिलेटेड एक क्लैरिटी अगले 10 दिन में आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई हेल्प ही हो सकती है, कोई फ्रेंड, कोई गाइड, भाई किसी के थ्रू आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि आपके जीवन के लिए क्या चीज़ें ठीक हैं। अच्छी बात है, अभी से 10 दिन के अंदर ये होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मुबारक हो। ब्रूम, ये कार्ड है डेथ, ठीक है। टाइटी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। देखा, डेथ का कार्ड है, चीज़ों को हटाइए। अरे भाई स्टैग, जो चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई प्राणी, कोई भी लाइफ का कोई भी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, भाई उसको कबाड़ी की तरह अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए धकेल बार कीजिए। कहने का मतलब ये है, तब आप दूसरी चीज़ों के लिए, तब आप नई चीज़ों के लिए स्पेस अपनी लाइफ में बनाएंगे। वही पुरानी बासी चीज़ें खाने के इतने शौकीन हैं आप लोग, हाँ तो सड़ा सड़ा के खाइए ना, बना के रखिए खाना एक बार में और एक साल तक खाते रहिए उसी को, ठीक है। हद है यार, क्या बोले हम। टेम्परेंस, 13 के बाद टेम्परेंस, 13 के बाद सॉरी 14 नंबर। देखिए प्रोग्रेस तो तभी होगा, ये टेम्परेंस तभी आएगा जब ये चीज़ें आप यहाँ अपनी लाइफ से सफाचट करेंगे। ब्रूम का कार्ड है, डेथ का कार्ड है ये, ठीक है। उसके तुरंत बाद 14 नंबर का कार्ड ये आया है, टेम्परेंस, जो कि आपको पता है, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है जो आप अपने अंदर जो बिलीफ सिस्टम बना के चल रहे हैं ना, आपके कुछ सो कॉल्ड उसूल। अरे भाई जो उसूल आपको खुद को ही नहीं सर्व कर रहे हैं तो लानत भेजो ऐसे उसूलों पर। उसूल वो होते हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो, जिन उसूलों को आप लगता आप आपको ऐसा लगे कि ये उसूल हमने बनाए हैं और ये उसूल से हम ऊंचाइयों की सीढ़ियों पे चढ़ेंगे। लेकिन ऐसे कौन से उसूल हैं जिससे आप नीचे डाउनफॉल हो रहा है आपका, आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कोलैप्स क्यों हो रहा है एनर्जीज़ का, इनडिसाइसिव एनर्जीज़ का है यहाँ। और ज़ाहिर सी बात है जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो लोगों की तो नज़र लगती है और लगती ही है, और लोग आपको जो है नीचे गिराने के लिए भी वो बार बार खींचने की भी कोशिश करते हैं। वेरी नाइस यार, जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, एक के बाद एक बेहतरीन कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा मेजर अरकान है इन अ रो, ब्रूम, टेम्परेंस एंड देन जजमेंट, आई मीन डेथ, टेम्परेंस एंड जजमेंट।
आपको पता है गुड लक चार्म का पहला कार्ड ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का क्यों आया है? आपको किसी की तरफ से एक हेल्प, एक गिफ्ट मिलने के आसार हैं, ठीक है? और ये ना आपकी लाइफ एक न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है आपको, ठीक है? एक न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब की बार क्वीन ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब की बार आप वो करेंगे जो आप अपनी इमोशंस को आप फाइनली अपनी ताकत बनाएंगे। आपको हमेशा से लगता रहा है अगर कि यार बहुत हमेशा ही रोते रहते हैं हम, हमेशा ही दुखी रहते हैं, हमारी लाइफ बहुत स्टैग्नेंट है, बहुत नेगेटिव है, हमारी लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, तो फाइनली अब आप अपने आप में वो खुशियाँ ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें ना किसी की हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, माइट बी अ फीमेल एनर्जी। आप किसी फीमेल से बहुत जल्दी मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बहुत वापस से लय में लाने के लिए थोड़ी सी हेल्प आपको मिलेगी। अगर आप बहुत इनडिसाइसिव एनर्जीज में हैं, अगले 10 दिन का समय लग सकता है, किसी एक पर्टिकुलर फीमेल फ्रेंड ऑफ योर्स कोई एक गाइड का काम करेंगे, कोई आपकी लाइफ में आपको बहुत एक सूदिंग इफेक्ट आपको देंगे, जो आपकी लाइफ में अगर बार बार आप कहीं पर रुक जाते हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट्स होते हैं। और ऑब्वियसली ये पर्सन भी बहुत भुक्तभोगी ही हैं, इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लिए हैं और इनकी तरह ये अब आपको तो है गाइड करेंगे। नाइस, अच्छी एनर्जीज है। स्ट्रेंथ, लियो एनर्जीज, डेफिनेटली देर इज़ अ फीमेल गाइस, कोई फीमेल आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो कोई भी हो सकता है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो भी आप उसी हिसाब से देखिए, लेकिन एनर्जीज़ बहुत फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, ठीक है? फीमेल एनर्जीज़ हैं। अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो भी ये कोई फीमेल है जो आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। मुबारक हो, ये यूनिवर्स की तरफ से भेजी गई आपके लिए एक फरिश्ता हो सकती हैं जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है? द मजिशियन, देर इज़ अ हेल्प कमिंग सून इन योर लाइफ, ठीक है? बार बार और एक चीज़ हमें और लग रही है कि ये जो बार बार आप अनहेल्दी अटैचमेंट्स में फंसते हैं ना, बार बार ये लूप में फंसते हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का मैनिफेस्टेशन है आपके ऊपर। आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, बार 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 आपको अनहेल्दी अटैचमेंट में कोई फंसा देता है। आपको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है ना जो चाहता है कि आप उनसे कभी मूव ऑन ही ना करें, तभी आप वापस ही इस एनर्जीज में आए हैं, इनडिसाइसिव की एनर्जीज में। पता नहीं किसकी एनर्जीज है, क्या आपको लगता है कि वाकई में कोई ऐसा पर्सन है जो ये चाहता है कि आप उनसे मूव ऑन ना करें कभी, जो हमेशा चाहता है कि बस आप उनकी ज़िंदगी में बने रहें? ऑब्वियसली कोई एडवांटेज होगा इनका, क्योंकि एज सच हमें वो वाली वाइब्स नहीं आ रही कि भाई ये ज़िंदगी में आपको कुछ देंगे या कुछ मिलेगा आपको इनसे। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, क्योंकि मून के नीचे मजिशन आया है, तो इस पर्सन की एनर्जीज में बहुत ना, ये बहुत खुद तो डिसेप्टिव है। एक तरफ़ा आपका एक तरफ़ा लव हो सकता है, कोई आपके क्रश हो सकते हैं, ठीक है? आपको इनके फीलिंग्स के बारे में पता नहीं है। ये पर्सन खुद भी इनडिसाइसिव है और आपको भी इनडिसाइसिव की एनर्जीज में ही रखना चाहते हैं। पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है गाइस। देखा हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था ना, ये पर्सन ना तो खुद आपको लेट गो कर पाते हैं और ये पर्सन तो हरगिज़ नहीं चाहते कि आप इनको लेट गो करें। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये बस देखिए, इनके शायद इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो या ना हो, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन आपको तो मतलब ऐसा मैनिफेस्ट करके रख रहे हैं अपनी लाइफ में, कैद करके रखा है, जैसा होता है ना एट ऑफ सोर्ड्स, स्लेवरी। आपको नहीं पता है लेकिन आप इनकी एनर्जी से बहुत कनेक्टेड हैं, आप मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हैं? बड़े लंबे टाइम से बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी आप बार बार रीडिंग्स देखने लग जाते हैं, करंट फीलिंग्स उसी पर्टिकुलर पर्सन की जिससे आप मूव ऑन होना चाहते हैं, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये पर्सन आपको हरगिज़ अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। एट ऑफ कप्स कार्ड्स, देखिए जब हम बोल रहे हैं ना तो कुछ तो मतलब होगा ना। फोर ऑफ पेंटिकल्स के बाद एट ऑफ कप्स, ये पर्सन खुद मूव ऑन हो जाए भले हो जाए, लेकिन आपको मूव ऑन नहीं होने देंगे ये पर्सन अपनी लाइफ से।
वो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें भी डेस्टाइंड ही है। वो क्यों? क्योंकि वही हम जो बोलते हैं टिमलक लग, चुपचाप जो जो होना है तब तक वो होना है। वो भी ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ रहा है। हमको नहीं समझ में आता है कि एनर्जीज ऐसी कैसे हो जाती है। कभी कभार ईश्वर की मर्ज़ी से ही सब कुछ चीज़ें होती है ना। कभी कभार क्या, हमेशा ही होती है भाई। निर्देशक तो भगवान ही है ना, चला तो वही रहे हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को भी ना थोड़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारा दोष जो देखिए सारा दोषारोपण हम भगवान पे नहीं कर सकते ना, ये गलत होता है। नवरात्रि चल रही है, माता रानी पे सारा दोष डालते हैं कि भाई आपने किया जो किया, ये गलत बात है। कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी उठानी चाहिए। अभी यहाँ पे जो हम आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तब आपको क्या करना चाहिए वो तो हम एंजल आंसर से लेंगे भाई। हमको खुद नहीं पता हमको क्या करना चाहिए। क्या बताएं हम आपको? अच्छा, लवर्स है तभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, सोलमेट कनेक्शन है भाई। अब मतलब वही आपका सोलमेट जो भी आप जैसा भी मानते हैं। अगले 10 दिन में आपको एक फीमेल फ्रेंड से एक गिफ्ट, एक गाइडेंस मिलने के आसार हैं, जो आपकी लाइफ में आपको थोड़ा सा जो है, जैसे हम हैं ना, हम भी तो आपको गाइड ही कर रहे हैं ना, डेली बेसिस पे रीडिंग लेके आते हैं, तो आपको एनर्जीज के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अभी जो है एक और कोई फीमेल आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करेंगी, ठीक है। ये जो पूरी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, क्योंकि आप अभी इनडिसाइसिव एनर्जीज में हैं, कहीं पर आपका मन जो है वो बार बार भटक रहा है, आप एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। कोई तो एक ऐसा डिसीजन है जिसमें आप पर्टिकुलर सिचुएशन में अटक गए हैं। करें या ना करें, बढ़ें या ना बढ़ें, जाएं या ना जाएं, मतलब है कोई एक एनर्जीज ऐसी है जिसमें आप इनडिसाइसिव हैं। और यहाँ पर आपको मेंटल क्लैरिटी इस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से मिलेगा जो एक फीमेल है, ठीक है। ये आपको बहुत यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ हेल्प है, ये एक तरह से फरिश्ता है जो आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए आपके जीवन में पधार रही हैं अगले 10 दिन में, ठीक है। इनकी तरफ से देखिए थोड़ा बहुत आपको एक रिलैक्स, आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी, क्योंकि ये आपको थोड़ा बहुत जो है आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि आप अनहेल्दी अटैचमेंट्स में वापस से फंस गए हैं। और ज़्यादातर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसलिए आप अनहेल्दी अटैचमेंट्स, कोई पर्टिकुलर पर्सन बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप मूव ऑन करें इनसे, हरगिज़ नहीं चाहते हैं ये पर्सन। लवर्स का कार्ड है, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जीज है, ठीक है। एंजल आंसर्स में से बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, क्योंकि पहला कार्ड आया था, पहला कार्ड जो है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का है, टेबल्स आर टर्निंग इन योर फेवर, बट राइट नाउ यू आर इन इनडिसाइसिव एनर्जीज ना, और बिग हैप्पी चेंजेस हैं एंजल्स की तरफ से भाई। नवरात्रि में इससे बढ़िया रीडिंग और क्या हो सकती है बताइए, जब बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हो। आस्क योर एंजल्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। आप अपने एंजल से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन भर भर के कीजिए। वैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन के आने की संभावना है, जो एक फीमेल है जो आपको गाइड करेंगी आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लाने में। ये पर्सन बहुत मददगार साबित होने वाली है आपके जीवन में, ठीक है, क्योंकि टेबल्स आर टर्निंग इन योर फेवर। कुछ लोगों का रीयूनियन कराने में ये पर्सन बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो बी केयरफुल कि आप अपनी लाइफ में कौन है ये पर्सन, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। इनकी तरफ से आपको बहुत गाइडेंस हो, सलाह हो, मशवरा हो, कुछ भी आप जैसा भी आपको लगता है, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत मददगार साबित होंगी। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है। और आप एंजल से पूछ सकते हैं, अपने गॉड से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में दुविधा है, कहीं पे भी आप अटक रहे हैं, ठीक है, जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है। जहाँ पर भी, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो रहे हैं, अगले 10 दिन में वो मेंटल क्लैरिटी हमें मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी बात, मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके ना मेडिटेशन कीजिए। देखिए बहुत ही पावन, बहुत ही सेक्रेड और होली टाइम है ये, ठीक है, बहुत पवित्र, बहुत खूबसूरत समय है।
माता रानी को अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो उनसे जाहिर कीजिए, उनको बताइए आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है। बाकी हम हमेशा से कहते हैं कि कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, अपने कर्मास को बैलेंस रखिए, इंटेंशन सच्चे रखिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। जितना आप दुआएं देंगे ना वो टेन फोल्ड होकर आप पास, आप ही के पास वापस आएंगी, ठीक है। और डेफिनेटली हमें आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनके जीवन से बिल्कुल मूव ऑन करें, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी आपकी एनर्जीज को ऐसा होना चाहिए जहाँ पर द थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू एनी मोर यू शुड लेट गो, ठीक है, यू शुड लेट गो। क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस तभी आएंगे आपके जीवन में जब आप उन चीज़ों को लेट गो करें, डिक्लटर करें, डिस्कार्ड करें। क्योंकि यहाँ पे ब्लूम का भी कार्ड आया था और हमने आपको बोला था कि चीज़ों को हटाइए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही उनको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में आप नई चीज़ों को जगह दे पाएंगे। तो अगर ये कोई पर्सन है जो आपकी एनर्जीज को सक करते रहते हैं, आपके बार बार आपको एक इमोशनली अनहेल्दी डिटैचमेंट में फंसा देते हैं, तो फिलहाल के लिए अभी लेट गो करने की आवश्यकता है आपको। बाकी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बहुत हेल्प मिलने वाली है, ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लाइफ में बहुत बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आएंगी। रीयूनियन के भी चांसेस है अगर ये पर्सन आपको, मतलब इनकी तरफ से कुछ ऐसे सलाह आपको मिलेगी जिसकी, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस को अट्रैक्ट कर पाएँ, और रीयूनियन भी हो सकता है उससे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, क्या करें हम, ठीक है, हम क्या करें बताओ। जब रीडिंग ही ऐसी आती है, हम खुद ही हम डेली बेसिस पे गाइडेंस ही तो करते हैं, मतलब गाइडेंस ही तो देने आते हैं, जो जैसे रीडिंग आएगी वैसा ही बताएंगे। जजमेंट है कार्ड समेटने के बाद, ठीक है, सही है, ये जजमेंट तो आ ही रहा है, देर सवेर जजमेंट तो आ रहा है ना, जस्टिस और जजमेंट होना चाहिए, बाकी और क्या ही चाहिए हम लोगों को, है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है, तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भरभर के है, ठीक है, और गॉड ब्लेस यू एवरीवन, डू गुड एंड सी वेरी गुड, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, हमेशा याद रखिए इस बात को, ठीक है। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, तो जल्दी मिलेंगे एक नई रीडिंग पे, ठीक है। टॉपिक किसी को कोई सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं, देखेंगे हम, ठीक है। रैंडम रीडिंग ही वैसे हमारा फेवरेट टॉपिक है, और डेली बेसिस पे देखिए एनर्जीज़ का पता चल जाता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अभी देखिए एनर्जीज़ का पता चला ना कि आप इनडिसाइसिव एनर्जीज़ में पहुंच गए, वापस से अनहेल्दी अटैचमेंट्स में कहीं पर अटक गए हैं। खैर, चीज़ें आपके फेवर में ही वर्क कर रही हैं, ठीक है, और आपको एक हेल्प भी अगले 10 दिनों में आती हुई हमें दिखाई दी है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, और टैरो क्लासेस के लिए प्लीज़ एनरोलमेंट ख़त्म होने वाली है, प्लीज़ जल्द से जल्द एनरोलमेंट कराइए, और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।